जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमने स्टार्ट करा था इस हार्डकोर वर्ल्ड को। हमने अपने लिए एक कासल बनाया था, विलेजर्स का टाउन बनाया था, बट अभी भी इस वर्ल्ड में कुछ काम बाकी है, जैसे कि वीदर को डिफीट करना, अपने डायमंड के आर्मर को नेदराइट बनाना और उसमें मस्त वाली ट्रिम लगाकर फाइनली फ्री करना एंड को, एंड बीट करना माइनक्राफ्ट 1.20 को इन हार्डकोर। ऑलराइट, तो मैंने डे 50 की स्टार्टिंग में सोचा था कि फटाफट से अपने डायमंड को इंचेंट कर लेते हैं, बट उसके लिए हम लोग को चाहिए थी कुछ बुक्स, जो कि हम लोग को मिलने वाली थी विलेजर से ट्रेड करके, और एमरल मिलने वाले थे स्टिक्स से, और स्टिक्स के लिए चाहिए थी हमको काफी सारी वुड। तो मैं कलेक्ट करने लगता हूँ स्प्रूस के लॉक्स को, और उतने में मेरा दोस्त इन विलेजर्स को ब्रेड दे देता है ताकि ये विलेजर्स ब्रीड कर सकें। और एक दो दिन ग्राइंडिंग करने के बाद हमारे पास सुगर केन और स्प्रूस के लॉग दोनों ही आ चुके थे ट्रेडिंग करने के लिए, तो अब हम लोग इजिली एमरल्ड ले सकते थे, बट उसके लिए हम लोग को विलेजर्स को जॉब देनी थी। इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सिर्फ दो तरीके के विलेजर्स रखने वाले हैं, एक लाइब्रेरियन और दूसरे फ्लेचर। तो पहले तो मैं फटाफट से लैक्टन बना लेता हूँ लाइब्रेरियंस के लिए, और मेरे पास फ्लिंट रखा हुआ था तो मैं कुछ और न्यू फ्लैचिंग टेबल को भी बना लेता हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टिक स्ट्रेट कर पाए, और फिर टेबल बनाने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इन विलेजर्स को जॉब देना। और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्लेचर से स्टिक की ट्रेड ले पाए ताकि हम उनसे इजिली एमरल्ड ले सके, और ये लोग थोड़ी देर बाद एमरल्ड देना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं फटाफट से काफी सारे स्टिक बनाता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ इनसे ट्रेडिंग करना। और थोड़ी देर बाद इन विलेजर्स का कूल डाउन आता है, तब भी भाई हम खाली नहीं रुकते हैं। मैं इतनी देर में अपने फार्म से सारा वीट निकाल लेता हूँ, और फिर मेरे को याद आती है हमारे पास तो भाई कुछ शीप्स भी हैं जिनको मैंने आज तक पालने के बाद खाना नहीं दिया था, इसलिए आज हम उनको पहली बार फीड भी करते हैं, तो ये लोग तो काफी ज्यादा खुश हो ही गए होंगे, और मेरे को भी एक एडवांसमेंट मिल जाती है। बाकी मैं लग जाता हूँ दोबारा से सारी सीड्स को प्लांट करने के लिए, और इन सीड्स को लगाते लगाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात भी हो जाती है, और विलेजर्स भी दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग विलेजर्स का स्टॉक दोबारा से रिफिल हो गया था, तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं विलेजर्स से ट्रेड करना। और थोड़ी देर के बाद हमारे पास इनफ एमरल्ड भी हो गए थे, और हमारे विलेजर्स हमको बढ़िया बढ़िया बुक भी देने लगे थे, इसलिए हम फटाफट से इनसे बुक भी ट्रेड कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद हमारे पास इनफ बुक भी हो चुकी थी जिनसे कि हम अपने आर्मर को नेक्स्ट लेवल बनाने वाले थे। हमको अनब्रेकिंग, मेंडिंग, प्रोटेक्शन और लूटिंग और शार्पनिंग जैसी बुक मिल चुकी थी, तो अब बारी थी इन सब बुक्स को अपने आर्मर में लगाने की। बट मैं देखता हूँ हमारे पास तो इतना भी आयरन नहीं है कि हम लोग एक एनविल ही बना सके, इसलिए फिर हम लोग को तुरंत ही निकलना पड़ता है माइनिंग पे ताकि हम वहां से थोड़ा बहुत आयरन लाके कम से कम एक एनविल तो बना पाए, और फिर वापस हम लोग उसी माइन में आ जाते हैं जो हम लोग के विलेज के पास में थी। और वैसे तो हम लोग यहाँ से काफी ज्यादा आयरन ले जा चुके थे, बट ये केव काफी ज्यादा मैसिव थी, हमको पता था हम लोग को इजिली यहाँ से आयरन मिल सकता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को आयरन मिलना स्टार्ट भी हो जाता है, और आयरन की खोज में हम लोग काफी ज्यादा नीचे आ जाते हैं, और हम लोग को थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन भी दिख जाता है। फिर हम सोचते हैं भाई जब इतने नीचे आए गए हैं तो क्यों ना यहाँ से ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिया जाए। मैं फिर थोड़े बहुत यहाँ से ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ और दोबारा से चल देता हूँ आयरन की तलाश में। और फिर भाई हम लोग आ जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग को काफी ज्यादा आयरन तो मिलने वाला था, बट यहाँ पे खतरा भी काफी है। आप देख सकते हो भाई पीछे की साइड एशियन सिटी के जो ब्लॉक होते हैं वो यहाँ पर थे, बट हम लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग को अभी तक एशियन सिटी नहीं दिखी थी, इसलिए फिर हम लोग यहाँ से काफी ज्यादा आयरन निकाल लेते हैं। और फिर आयरन कलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, फिर हम लोग को दिख जाती है पूरी की पूरी एशियन सिटी। और देखना भाई मेरे इस दोस्त को तो अलग ही मस्ती छा रखी है अभी भी, बंदे ने धक्का ही दे दिया, मैं लावा में गिरूं कोई मतलब नहीं है। बाकी फिर मेरे से यहाँ पर एक मिस्टेक भी हो जाती है, मैं भाई यहाँ पर एक डायमंड को मिस कर देता हूँ, फिर वो मेरा दोस्त ही मुझको बताता है कि भाई मैंने यहाँ पर एक डायमंड को स्किप कर दिया। और फिर डायमंड की बात सुनकर तो मैं फटाफट से उस डायमंड के पास जाता हूँ और निकाल लेता हूँ इस डायमंड को। बाकी वो सब तो ठीक है, हमारे सामने थी पूरी की पूरी एशियन सिटी, हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर जाया जाए या फिर नहीं। और वैसे सच बताऊं तो हर बार मैं मना करता हूं, लेकिन इस बार मेरा दोस्त मना कर रहा था इस एशियन सिटी में जाने से, इसलिए हम दोनों ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस एशियन सिटी के अंदर अभी नहीं जाएंगे। बट फिर मेरे को दूर से ही एक चेस्ट दिखती है, तो फिर भाई उस चेस्ट को तो लूटना बनता था ना, तो मैं फटाफट से ब्रिजिंग कर चला जाता हूं उस चेस्ट के पास, और फिर भाई मेरे को मिल जाता है साइलेंस आर्मर ट्रिम। भाई ये इस गेम का वन ऑफ द रेयरेस्ट आर्मर ट्रिम है, इसकी मिलने की चांसेस होती है सिर्फ 1.6%, वो भी इन एशियन सिटी। बट भाई ये मेरे को एक ही बार में मिल गया था, और इसको पाने के बाद तो भाई मेरा मन और कर रहा था कि मैं और एक्सप्लोर करूं इस एशियन सिटी को, बट देखा जाए तो अभी हम लोग का यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। वार्डन नेदराइट के आर्मर को भाई एक बार में चटका देता है, और हमारे पास तो सिर्फ डायमंड के आर्मर है, वो भी नॉन इंचेंटेड, इसलिए हम लोग वापिस जाते हैं अपने कासल पर और सारे आयरन को लगा देते हैं स्मेल्टिंग के लिए।
और थोड़ी देर बाद आयरन स्मेल्ट हो जाता है तो फटाफट से उसके तीन ब्लॉक बनाते हैं और बना लेते हैं एक एनविल। और फिर मेरे को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम बेसिक अपने आर्मर को इंचेंट करें इंचेंटिंग टेबल से, जिससे कि हमारे काफी ज्यादा एमरल्ड्स भी बच सकते हैं। इसलिए मैं फटाफट से एक इंचेंटिंग रूम बना लेता हूँ। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टूल्स और आर्मर को इंचेंट करना। पर सच बताऊं तो इस बार हमारा लक काफी ज्यादा बेकार था, हम लोग को बढ़िया बढ़िया इंचेंटमेंट नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो उससे बढ़िया बुक्स हमारे पास थी। इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं सिंपली अपने आर्मर को हम बुक से ही इंचेंट कर लेंगे। तो मैं फिर फटाफट से अपने पूरे आर्मर को इंचेंट करता हूं। और अब हम लोग काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुके थे, हाँ बस वार्डन के सामने नहीं, और वैसे भी कौन ही जा रहा है भाई वार्डन के पास। बाकी देखो भाई, हमारे पूरे आर्मर में प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग और मेंडिंग लग चुकी थी, और टूल्स को भी अच्छा खासा इंचेंट कर लिया था। और फिर जब हम लोग इतने ताकतवर हो गए थे तो हम लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना अब जाया जाए नेदर के अंदर। तो मैं फटाफट से अपना एक पोर्टल बना लेता हूँ, और पोर्टल बनाने के बाद उसे लाइट अप करते हैं एंड चले जाते हैं नेदर के अंदर। और फिर भाई नेदर के अंदर हम लोग को ऐसा घटिया स्पॉन मिलता है कि बस पूछो मत। पता नहीं भाई हम लोग को किस गड्ढे के अंदर स्पॉन मिल गया था, दूर दूर तक भाई कोई ओपन एरिया ही नहीं था। बट एनीवेज फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं नेदर को एक्सप्लोर करना। हम काफी ज्यादा लंबी एक टनल बनाते हैं और फिर जाकर हम लोग को एक ओपन एरिया मिलता है, और फिर उस ओपन एरिया में भी ये लोग खड़े थे हम लोग का स्वागत करने के लिए। बट इनका स्वागत हम ही लोग कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग लग जाते हैं अपने फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। और थोड़ी देर बाद हम लोग को फोर्ट्रेस मिल भी जाता है, और फिर हम लोग ब्लॉक्स लगाकर एंट्री लेते हैं उस फोर्ट्रेस के अंदर। और फोर्ट्रेस के आने के तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एक ब्लेस का स्पॉनर ढूंढना। और जैसे ही हम लोग को वो ब्लेस स्पॉनर मिलता है, नेक्स्ट टारगेट हो जाता है फटाफट से सारी की सारी ब्लेजेस निकालना। और वैसे भाई मैं ये फोर्ट्रेस का पार्ट इतनी जल्दी स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई इसकी पूरी की पूरी ऑडियो ही करप्ट हो चुकी है, इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, बाकी थोड़ी देर बाद गेम की ऑडियो सही हो जाएगी। और फिर यहाँ से हम लोग काफी सारी ब्लेजेस कलेक्ट कर लेते हैं, एंड अब बारी होती है वीदर स्केल्टन्स को ढूंढने की, क्योंकि अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट था वीदर को मारना। और मेरे दोस्त को एक वीदर स्केल्टन बहुत ही जल्दी मिल भी जाता है, और मैं सच बताऊं तो इस फोर्ट्रेस में वीदर का स्पॉन काफी ज्यादा कम था, बट पता नहीं क्यों वीदर का हेड ड्रॉप रेट काफी ज्यादा हाई था। हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 वीदर को ही मारा होगा, और हम लोग को दूसरा और तीसरा वीदर स्केल्टन हेड मिल गया था। और फिर स्केल्टन हेड कलेक्ट करने के बाद फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं इस फोर्ट्रेस से एंड चले जाते हैं एक बैशियन की तलाश में। और थोड़ी देर बाद हम लोग को एक बैशियन भी मिल जाता है, एंड अब बारी थी इस पूरे बैस्टियन को लूटने की। हम लोग को यहाँ पर काफी सारी चेस्ट वगैरह मिलती हैं, इनमें काफी ज्यादा तगड़ा सामान भी मिल जाता है। बाकी हम लोग तो आए थे इन गोल्ड ब्लॉक्स के लिए, क्योंकि हम लोग को आगे चलकर बीकन भी बनाना होगा जिसमें कि ये ब्लॉक्स हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इस चेस्ट में हम लोग को एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिलता है जो कि मेरा दोस्त उठा लेता है। भाई उसको तो जैसी अलग सी आइटम मिलेगी ना तुरंत उठा लेता है, बट भाई उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी थी जो कि थी भाई ये एक इंचेंटेड एप्पल। चलो भाई ये चीज तो मेरे लिए बढ़िया हो गई। और फिर बैशियन को लूटने के बाद वापस आ जाते हैं हम लोग अपने कासल पर, और कासल पर आने के बाद सबसे पहले अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट करते हैं एंड फिर चले जाते हैं वीदर को मारने के लिए। और वीदर को मारने के लिए तो भाई हम लोग सबसे पहले नीचे की साइड कुछ ब्लॉक्स डिक करते हैं एंड बना लेते हैं वहां पर एक टनल और एक रूम जहां पर हम उस वीदर को स्पॉन करने वाले थे, एंड फिर फाइनली स्पॉन कर देते हैं इस वीदर को। और वैसे देखा जाए इससे लड़ने के लिए हमारे पास आर्मर तो बढ़िया था और स्वॉर्ड भी ठीक ठाक सी तो थी ही, बट हमारे पास जो बो थी वो काफी ज्यादा बेकार थी भाई, बिल्कुल डैमेज ही नहीं लग रहा था यार इसको। हम इस पे काफी ज्यादा बो के एरो मारते हैं, बट क्या कर सकते हैं भाई, हमारे बो पे कोई सी भी इंचेंटमेंट नहीं होती है, इसलिए धीरे धीरे कर हम इसको डैमेज देते हैं, इसलिए हम लोग को इस वीदर को मारने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। बट क्या ही कर सकते हैं, हम इस पे बौछार करते रहते हैं एरो की, और कुछ देर के बाद तो मैं बोर ही हो जाता हूँ। इसकी हेल्थ हाफ हुई भी नहीं होती है, बट फिर भी भाई मैं स्वॉर्ड लेकर अपनी कूद जाता हूँ इस वीदर को मारने के लिए। और स्वॉर्ड तो भाई हमारी ठीक ठाक सी थी, काफी ज्यादा इसको डैमेज पड़ रहा था, हम लोग इजिली निपटा देते हैं इस वीदर को और कलेक्ट कर लेते हैं नेदर स्टार। और वैसे जो हम लोगों ने रूम बनाया था वीदर को मारने के लिए, उसके साइड में एक केव भी होती है, और वो केव भी ओपन हो जाती है, इसलिए भाई कुछ स्केल्टन्स भी हम लोग को परेशान कर रहे थे उस वीदर को मारने में, बट हम लोगों ने तो भाई निपटा दिया उसको। बाकी फिर वीदर को निपटाने के बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर की साइड, और फिर आने के बाद बना लेते हैं अपने लिए एक मस्त वाला बीकन। बट इस बीकन के साथ भी एक प्रॉब्लम थी, हमने इस बीकन को बना तो लिया था बट हमारे पास इनफ रिसोर्स या ब्लॉक्स ही नहीं थे इस बीकन को स्टार्ट करने के लिए। इसलिए अब हम लोग को या तो एमरल्ड या आयरन का फार्म बनाना होगा इस बीकन को स्टार्ट करने के लिए। बट अभी हम लोग का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ भी बिल्ड करने का, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे नेदर के अंदर और वहां से एशियन डेब्रिस लाएंगे ताकि हम लोग अपने आर्मर को बना सके नेदराइट का आर्मर। और वैसे तो ये काम भी काफी ज्यादा बोरिंग होने वाला था क्योंकि हम लोग के पास बिल्कुल भी TNT वगैरह नहीं थे एशियन डेब्रिस की माइनिंग के लिए। हम लोग को ये काम भाई खुद से स्ट्रिप माइनिंग कर करना होगा, बट एनीवेज करना तो था ही, सो इसलिए हम लोग लग जाते हैं एशियन डेब्रिस की माइनिंग के लिए।
और फिर काफी देर माइन करने के बाद भी हम लोग को एक भी एशियन डेब्रिस नहीं मिलता है और मेरे पिकैक्स की हेल्थ भी बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। हालांकि मेरे पास मेंडिंग थी बट इसमें सिल टच भी लगी हुई थी। मैं अगर क्वार्ट्ज को भी माइन करता तब भी इस पिकैक्स की हेल्थ नहीं बढ़ती, इसलिए मैं वापिस आ जाता हूँ अपने घर की तरफ एक न्यू पिकैक्स लेने, क्योंकि मेरे पास एक डायमंड की फॉर्च्यून वाली पिकैक्स होती है, मैं इसी को ले लेता हूँ और फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फूड भी ले लेता हूँ माइनिंग पर जाने के लिए एंड फिर दोबारा से चले जाता हूँ नेदर के अंदर। एंड अब हम लोग माइनिंग कर सकते थे बिना किसी फिकर के। जब मेरे को क्वार्ट्ज वगैरह मिलेंगे तो मैं फॉर्च्यून वाली से तोड़ लूंगा जिससे एक्सपी भी मिलेगी और मेरी पिकैक्स भी रिपेयर हो जाएगी और ऐसे करके मैं काफी देर तक अपनी पिकैक्स को चला सकता हूँ। बट भाई मैं आपको बता दूं, इन एशियन डेब्रिस को माइन करना अभी भी बिल्कुल इजी नहीं था। हम लोग भाई काफी देर तक माइन करते हैं और फिर जाकर हम लोग को हमारा पहला एशियन डेब्रिस मिलता है। चलो भाई एडवांसमेंट तो मिली, वरना भाई हम तो ऐसे लगे हुए थे काफी देर से। बाकी फिर इन दो एशियन डेब्रिस को कलेक्ट करके मैं दोबारा से लग जाता हूँ एशियन डेब्रिस की माइनिंग पे और फिर काफी देर माइनिंग करने के बाद हमारे पास इनफ एशियन डेब्रिस हो गए थे, इसलिए हम लोग वापस जाने लगते हैं। बट मुझे क्या पता था जहां से हम लोग निकलेंगे वहीं पर भाई एक बैशियन मिल जाता है हम लोग को और फिर इसे देखकर मैं सच बताऊं तो मेरे को काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग को गोल्ड ब्लॉक्स मिल सकते थे, इसलिए फिर हम लोग इस बैशियन को भी लूटना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत चेस्ट और थोड़े बहुत गोल्ड ब्लॉक भी मिल जाते हैं, बाकी मेन वाला जो खजाना होता है वो मेरा दोस्त लूट लेता है और उसको भी अच्छे खासे ब्लॉक्स वगैरह मिल गए थे। बाकी फिर इस बैशियन को लूटने के बाद हम लोग वापिस से आ जाते अपने कासल पर और फिर लगा देते हैं सारा का सारा एशियन डेब्रिस स्मेल्ट होने के लिए। और फिर आ जाती है भाई एक और प्रॉब्लम। मेरा दोस्त बताता है कि हम लोग के पास तो डायमंड भी नहीं है अपने आर्मर को नेदराइट आर्मर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पहला वाला याद था भाई हम लोग को तो बस नेदराइट इंगट चाहिए होता था अपने आर्मर को नेदराइट बनाने के लिए। बट भाई अब स्मिथिंग टेम्पलेट भी चाहिए होगा, हालांकि वो मेरे पास एक है बट एक से तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला ना, हम लोग को उसको डुप्लीकेट करने के लिए और भी डायमंड चाहिए होंगे, इसलिए मैं दोबारा से आ जाता हूँ एक केव के अंदर एंड इस बार तो भाई सीधे ही हम लोग स्टिप माइनिंग के लिए चले जाते हैं। मैं काफी नीचे तक डिग डाउन करता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ बेडरॉक लेवल पर और मजे की बात मेरे को पुरानी वाली अपनी स्टिप माइनिंग की जगह भी मिल जाती है तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई यहाँ पर हम लोग को डायमंड मिलेंगे नहीं, लेकिन भाई मैं एक ही ब्लॉक खोदता हूँ मेरे को डायमंड मिल जाता है, इसलिए भाई मैं तो डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं तो भाई यहीं से माइनिंग करूंगा। और हमारे पास इस बार फॉर्च्यून 3 भी होती है जिससे कि हम लोग को एक बार में 3-3 और 4-4 डायमंड भी मिल सकते थे, इसलिए इस बार डायमंड फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा तो ईजी हो गया था। और फिर थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हमारे पास इनफ डायमंड हो चुके थे, इसलिए हम लोग वापिस आ जाते हैं अपने बेस पर और अब तक हमारे सारे एशियन डेब्रिस भी स्मेल्ट हो चुके थे तो मैं फटाफट से इन नेदराइट स्क्रैप से बना लेता हूँ नेदराइट इंगट एंड अब हमारे पास इनफ डायमंड भी थे तो मैं फटाफट से स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करता हूँ और हम लोग को साइलेंस आर्मर ट्री मिली थी इनको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड फिर फाइनली अपने डायमंड के आर्मर को कन्वर्ट करते हैं नेदराइट में और हम लोग को मिल जाती है एडवांसमेंट कवर मी इन डेवरेस एंड अब हम दोनों के ही आर्मर नेदराइट के हो चुके थे और इसमें हमने मस्त वाली ट्रिम भी लगा ली थी। बाकी अब बस एक काम और बचा था जो कि था इस एंडर ड्रैगन को मारना, ऐसा आपको लग रहा होगा बट हमारा एक काम और बचा हुआ था जो कि था बीकन लगाना और उसके लिए हम लोग को कोई सा फार्म बिल्ड करना होगा, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बनाएंगे एक आयरन फार्म जो कि बनने वाला था इस जगह पर और मेरे दोस्त ने यहाँ पर काफी ज्यादा एरिया भी क्लियर कर दिया था और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज को भी कलेक्ट करके ले आया था तो अब बारी थी अपने लिए एक मस्त वाला आयरन फार्म बनाने की। सो हम लोग लग जाते हैं आयरन फार्म को बिल्ड करने के लिए। और फिर हमारा आयरन फार्म भी बनकर तैयार हो गया था। ये वर्क तो मस्त करता ही है, बाकी इसको देखो भाई एक बार, ये देखने में भी काफी ज्यादा ऑसम लगता है और अब इसकी मदद से हम लोग इजिली बीकन भी बना सकते हैं। बट अभी भी उस आयरन फार्म में इतना आयरन नहीं हुआ था कि हम लोग बीकन बना ले, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मारने जा रहे हैं अब एंडर ड्रैगन को। मैं फटाफट से आई ऑफ एंडर बनाता हूं एंड उसको थ्रो कर देखता हूं कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है एंड एक बार डायरेक्शन पता लगाने के बाद हम लोग फटाफट से निकल जाते हैं स्ट्रांग होल्ड की तलाश में और ये स्ट्रांग होल्ड तो भाई काफी ज्यादा दूर था। इसके जाने के रास्ते में हम लोग को काफी मस्त मस्त बायोम भी दिखती हैं, जैसे कि भाई ये जंगल वाली और हम लोग को एक मस्त वाला माउंटेन भी दिखता है जिसके ऊपर हवा में एक ट्री झूल रहा था और फिर हम लोग को एक स्वयं बायोम भी दिखती है और मजे की बात इसी स्वयं बायो में होता है हम लोग का स्ट्रांग होल्ड। तो मैं कंफर्म करने के लिए एक बार और आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ बट मेरा दोस्त तो उतने में निकल भी लेता है, इसलिए मैं भी चला जाता हूँ फटाफट से उसी के पीछे स्ट्रांग होल्ड को ढूंढने के लिए। हम लोग डायरेक्टली नीचे डिग डाउन करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं स्ट्रांग होल्ड के अंदर। और वैसे भाई ये स्ट्रांग होल्ड भी काफी ज्यादा अलग था हम लोग के लिए, ये पहला हम लोग का ऐसा स्ट्रांग होल्ड था जो कि ओपन था और लश केव में फंसा हुआ था,
बाकी हम लोग को तो एंड पोर्टल चाहिए था, इसलिए हम लोग लग जाते हैं एंड पोर्टल की तलाश में। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को एक लाइब्रेरी मिल जाती है, जिसके अंदर से हम लोग को काफी मस्त लूट मिलती है। हम लोग को ड्यून आर्मेट्री मिलता है और काफी मस्त मस्त बुक भी मिलती है। एंड फिर हम उन बुक्स को कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग को मिल जाता है अपना एंड पोर्टल। तो हम फटाफट से उसको लाइटन अप करते हैं एंड अब बारी थी इस एंड पोर्टल के अंदर जाने की। सो हम लोग फटाफट से इसके अंदर जाते हैं एंड आ जाते हैं एंड के अंदर। और एंड में आने के बाद एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल फोड़ते हैं एंड फिर जैसे ये एंडर ड्रैगन पर्च करती है हम लोग इसको बजाना भी स्टार्ट कर देते हैं। और पहले तो भाई कुछ शॉट मिस होते हैं और फिर भाई मैं इसकी काफी ज्यादा एचपी लो कर देता हूँ, बट फिर भाई ये भी मेरे को उड़ा देती है। और पहले तो मैं तैयार होता हूँ वाटर बकेट लेके, बट पता नहीं कैसे भाई आधे रास्ते में मैं समझ जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ भाई एंडर पल हाथ में। भाई मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था वाटर बकेट करके, वैसे भी 100 डेज होने वाले हैं। बाकी फिर ये एंडर ड्रैगन एक और बार पर्च करती है एंड फिर से मैं इसको मारने लगता हूँ। और इस बार तो भाई काफी सही सही शॉट हम लोग इसको लगा देते हैं एंड 70% हेल्थ इसकी कम कर देते हैं। बट भाई इसको पता नहीं आज क्या ही था दोबारा से उड़ा देती है, लेकिन इस बार तो भाई हम वाटर बकेट करके इजिली बच जाते हैं। बाकी फिर थोड़ी देर बाद ये एक बार और पर्च करती है, पर इस एंडर ड्रैगन को कहां पता था कि ये पर्च इसका लास्ट पर्च होने वाला है। हम लोग इजिली इसके शॉट मार मार के इसको खत्म कर देते हैं और फ्री कर देते हैं एंड को। एंड फिर भाई इस सवल को देखो, ये सवल भाई मेरी जब से मैंने बनाई है इसकी हेल्थ कभी फुल ही नहीं रही, बट आज वो टाइम था कि इस सवल की हेल्थ भी फुल हो जाती है और फिर इसकी एक्सपी से हमारा पूरा आर्मर भी रिपेयर हो जाता है। और फिर बारी होती है ड्रैगन एग कलेक्ट करने की, बट इस बार मेरे पीछे एंडरमैन पर जाते हैं और मेरा दोस्त उतने में ड्रैगन एग निकाल लेता है। और फिर भाई इस बार तो उसने मुझे दिया भी नहीं यार, बट एनीवेज ड्रैगन एग से बढ़िया होता है इलाइट्रा लेने जाना। तो हम लोग निकल जाते हैं इलाइट्रा के लिए और थोड़ी देर के बाद हम लोग को एक एंड सिटी मिल भी जाती है, बट इसमें एंड शिप नहीं होती है। बट फिर भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भाई चली देते हैं अपनी पहली एंड सिटी के अंदर। हम लोग इसके अंदर एंट्री लेते हैं, दो ही चेस्ट होती है, उनको फटाफट से लूटते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के वक्त मेरा दोस्त मेरे को चैलेंज कर देता है यहाँ से डायरेक्ट वाटर बकेट करने के लिए, और वो तो भाई इजिली कर भी लेता है, बट मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है। बट मैं भी भाई ब्रेड खाता हूँ एंड कर देता हूँ वाटर बकेट क्लच विथ 360। और फिर निकल जाते हैं हम लोग दूसरी एनसीटी के लिए एंड दूसरी एनसीटी भी हम लोग को मिल जाती है और इस बार यहाँ पर एंडशिप भी होती है, इसलिए हम दोनों भाई सीधे ही एंडशिप की तरफ निकल जाते हैं और एंडर पल करके आ भी जाते हैं इस एंडशिप के अंदर। और मेरे दोस्त ने पहले इलाइटर निकाल ली थी, बट मेरा दोस्त काफी ज्यादा अच्छा है, वो मेरे को इलाइटर दे देता है, क्या मतलब मैंने उसको धमकी दी थी इलाइटर के लिए। और फिर यहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंडर ड्रैगन के हेड को, वैसे भाई हर बार ही हम इसको भूल जा रहे थे, बट इस बार भाई मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ वो भी हवा में कैच करके। बाकी फिर इस सिटी के बाद बारी थी एक और एंड सिटी ढूंढने की, क्योंकि हम लोग को एक और इलाइट्रा चाहिए थी। और थोड़ी देर बाद हम लोग को एक और एंड शिप मिल जाती है एंड उसमें से भी हम लोग इलाइट्रा ले लेते हैं। और अब हमारे पास दो इलाइट्रा भी हो चुकी थी, सो हम लोग फिर से चले जाते हैं एंड के अंदर एंड फिर फटाफट से जाकर एंड कर देते हैं इस गेम को। और भाई हार्डकोर की एक और दिक्कत, बेड बेड का भाई कोई इतना ध्यान देता है नहीं, इसलिए मेरा कोई स्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं था, मैं वर्ल्ड स्पॉन पे आ जाता हूँ। बट एनीवेज इलाइट्रा होती है मेरे पास, तो मैं आ जाता हूँ वापस से अपने कासल पे। और कासल पर आने के बाद सबसे पहले मैं लगा देता हूँ एंडर ड्रैगन के हेड को अपने कासल के गेट के ऊपर, ताकि पता तो चले भाई एंडर ड्रैगन हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और एंड सिटी से मेरे को एक थॉर्न्स मिल गई थी, तो मैं उसको अपनी चेस्ट प्लेट में लगा लेता हूँ। और कुछ बुक मेरे पास पहले से रखी हुई थी, तो अपने इलाइट्रा पे भी मैं मेंडिंग और अनब्रेकिंग लगा लेता हूँ। बाकी अब एक काम और बचा था, जो कि था उस बीकन को लगाना। तो फिर भाई मेरे पास जितने तरीके के ब्लॉक्स होते हैं मैं उन सबको कलेक्ट करने लगता हूँ, क्योंकि वैसे भी भाई हम लोग एक तरीके के ब्लॉक से तो बीकन नहीं बना सकते हैं, इसलिए मेरे पास जितने भी ब्लॉक्स होते हैं मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब हमारे पास कुछ ही ब्लॉक्स की कमी थी, वो भी हमको आयरन फार्म से मिली जाएंगे। बाकी फिर अभी मैं मजे करने के लिए बना लेता हूँ कुछ रॉकेट, क्योंकि अब हमारे पास इलाइट्रा था और उड़ने में भाई जो ही मजा आता है ना, कुछ कहने की बात ही नहीं है। बाकी फिर अभी हम लोग को बस एक ही काम करना था कि अपने आयरन फार्म के आस पास रहना था, ताकि वहां पर ज्यादा से गोलम स्पॉन हो और हम लोग अपने बीकन को कंप्लीट कर पाए। एंड फाइनली अब हम लोगों के पास इतने ब्लॉक्स हो गए थे कि हम लोग अपने लिए एक कंप्लीट बीकन बना पाए, लेकिन भाई मिसकैलकुलेशन की वजह से एक ब्लॉक अभी भी कम पड़ता है, इसलिए मैं अपना दिमाग लगाता हूँ और ऊपर के 4 ब्लॉक्स रिप्लेस कर देता हूँ डायमंड से एंड लास्ट में प्लेस करते हैं बीकन। एंड अब अपना बीकन भी कम्प्लीट हो चुका था, अब बारी थी इसमें से पावर लेने की। और हमेशा की तरह रीजन और स्पीड हम लोग ले लेते हैं, और अभी भाई 99 डेज भी कम्प्लीट हो चुके थे इस वर्ल्ड में। सो इसीलिए मैं आ जाता हूँ इस प्लेजर आउटपोस्ट के पास, क्योंकि आपको याद होगा डे 1 पर ही भाई इन प्लेजर आउटपोस्ट के रास्ते से जब हम लोग जा रहे थे अपने विलेज की तरफ, तब भाई इन लोगों ने मुझको मार के भगाया था। बट आज भाई मेरे पास इतनी पावर है कि मैं चाहूँ तो इस प्लेजर आउटपोस्ट को भी चला सकता हूँ, बट ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये आगे हम लोग के काम आ सकता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई चैलेंज हो तो वो भी कमेंट में लिख देना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। मैं चला, बाय।